कहते हैं ना, अक्सर हमारे साथ ये कहा जाता है जब हमें पीरियड्स होते हैं, हमें मंदिर नहीं जाना है, अक्सर ये कहा जाता है कि अचार में हाथ नहीं लगाना है। क्यों? ये एक सहज प्रक्रिया है। अगर आप और हम इस सहज प्रक्रिया से गुजरते हैं तो हर महिला गुजरती है, लेकिन क्यों उसे इस तरह का एहसास कराया जाता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है? उफ, नो नो माय डियर, दिस इज रॉन्ग। ये कुछ गलत होने की निशानी नहीं होती है पीरियड्स होना, ये हमारी तंदुरुस्ती की निशानी होती है, ये हमारे और चार्मिंग होने की निशानी होती है। तो चलिए आज की कहानी आज ही सुकून के साथ पीरियड्स की। पीरियड्स अच्छे होते हैं, लेकिन बस जिस तरह से मैंने कहा कि पीरियड्स अच्छे होते हैं, तो क्या ऐसी बात होती है? तो चलिए आज बात करते हैं पीरियड्स पर। हमारी खूबसूरती की कहानी हमारी तंदुरुस्ती की कहानी, हमारी खूबसूरती की कहानी हमारी तंदुरुस्ती की कहानी, जो सुनानी भी होगी और बतानी भी होगी। एक ऐसा सफर जिससे हर लड़की को गुजरना होता है, एक ऐसा सफर जिसे हर लड़की को गुजरना होता है, एक ऐसा कुछ दिनों का दौर होता है, एक ऐसा कुछ दिनों का दौर होता है जब घर में हमें मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, जब हमें घर में मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, खाने नहीं बनाने दिया जाता, 3 दिनों तक किचन की एंट्री बंद होती है, 3 दिनों तक किचन की एंट्री बंद होती है, कोई चीज हाथ नहीं लगानी होती है, ये मत छूना, वो मत छूना, ये मत करना, वो मत करना, वो मंदिर का सामान है, अरे वहां मत जाना, वो चीज हाथ मत लगाना, ओप्स, किसी को बताना मत कि तुम डाउन हो, किसी को बताना मत तुम डाउन हो, घर पर हो तो चुपचाप रहना, मुंह अपना सिल जाना, कोई कुछ भी पूछे बस मुस्कुराना, ओप्स, तुम पीरियड पर हो, किसी को बताना नहीं, तुलसी माँ को हाथ मत लगाना, अचार के डब्बे में हाथ मत लगाना, अचार के डब्बे से थोड़ा दूर रहना, पूरी फैमिली मंदिर जा रही है, तुम बाहर घूमना, किसी को मत बोलना कि तुम डाउन हो, बस यूं ही कह के टाल देना, तुम डाउन हो, माय गॉड, तुम डाउन हो, कितनी बार ऐसा सुनना पड़ता है, तुम्हें ये नहीं करना, क्या इसका कोई साइंटिफिक रीजन है मुझे बताएगा? हर कोई कहता है ये मत करना, वो मत करना, अरे हम पीरियड्स में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी बंदिशों में बंद हैं, नहीं, हमें उड़ने का पूरा अधिकार है, बस जो कहते हैं ना, अब कहने का वक्त आ गया है, जो हमें कहते हैं कि तुम डाउन हो, ये मत करना, वो मत करना, किसी की भी हम फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते, किसी की भी फीलिंग्स को हम हर्ट नहीं करना चाहते, हमने बचपन से सुना है, इसलिए वो फॉलो कर रहे हैं, मम्मी के संस्कार हैं, दादी का सम्मान है, बातों ही बातों में हम यूं ही मुस्कुरा के टाल देते हैं, क्या हम बंदिशों में हैं? क्या हमें किसी ने बांध दिया है? क्या हम जंजीरों में हैं? हमारी तकलीफ में हम होते हैं, हमारी परेशानी में हम होते हैं, तो क्यों हमारी चीजों को डिसाइड करने वाला कोई और होगा? आप हर किसी का सम्मान कीजिए, आप मंदिर मत जाइए, लेकिन अगर आपका मन कहता है तो आप वो सारे काम करिए जो आप करना चाहते हैं। हम डाउन हैं इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, जो तुम्हारा मन कहता है तुम वो करना। हमेशा 30 त्योहारों में तुम ये मत करना, तुम इसकी मत सुनना, क्या तुम जानबूझकर डाउन हो गई हो? कई बार तो परिवार में ऐसा तक कहा जाता है जब 30 त्योहारों में हम डाउन हो जाते, क्या तुम जानबूझकर इसी समय डाउन होती हो? कैसा लगता है ऐसा सुनने में जब घर परिवार वाले ऐसा कहते हैं, क्या तुम जानबूझकर डाउन हुई हो? अरे ये तो एक सहज प्रक्रिया है, इस सहज प्रक्रिया में हमें असहज क्यों बनाया जाता है? ये तो हमारी खूबसूरती की, हमारी तंदुरुस्ती की निशानी होती है, है ना? मुझे मालूम है जितने भी मेरे फ्रेंड्स या जितनी भी लड़कियां ये देख रही हैं, उन सबको पता है, वो सब ये दौर से गुजर चुकी होती हैं। ये दौर वो होता है जिससे हर किसी लड़की को गुजरना होता है, है ना? लेकिन मुस्कुराकर और अपने आप को कामयाबी की उस मिसाल पर रखकर मुस्कुराना होगा। तुम्हें अगर कोई डाउन कहे तो तुम्हें सिर्फ मुस्कुराना होगा। जरूरी है कि आपको कोई कुछ कहे तो उसका आपने जो एक्शन देना हो, जो रिएक्शन करना हो, वो गुस्सा ही हो। हमारी सहज प्रक्रिया, हम असहज क्यों हो? हम तो सिर्फ मुस्कुराएंगे, हम डाउन में हैं, हम मुस्कुराएंगे। क्या लगता है और कैसा लगता है जब बार बार ताने मारे जाते हैं, जब घर परिवार की औरतें ही हमसे कहती हैं कि तुम डाउन हो, थोड़ा अलग हो जाओ, तुम डाउन हो, थोड़ा अलग हो जाओ, ये सुन सुनकर अब कान हमारे पक गए हैं, अब कहने का वक्त है, ये हमारा वक्त है, ये हमारे शरीर की,
ये हमारे शरीर की रचना है, ये एक सहज प्रक्रिया है। हम बड़े हो रहे हैं ये हमारी निशानी है, हम बड़े हो रहे हैं ये हमारी निशानी है, ये एक सहज प्रक्रिया है, इसे लोग क्यों असहज बना रहे हैं। डाउन होना हमारी खूबसूरती की निशानी है। उनसे पूछिए जो लड़कियां डाउन नहीं होती, उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कितने हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और एक लड़की जब माँ बनती है ना, तब भी उसे पता लगता है कि कितनी खूबसूरत निशानी के बाद एक खूबसूरत निशानी लगती है। सो बी एंजॉय योर पीरियड्स एंड ऑलवेज स्माइल। टिल देन गुड बाय।